taken. तो दोस्तों कैसा लगा आपको चैनल का पहला एपिसोड? हमें ये उम्मीद है कि सच्चाई पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी और इसी भरोसे के साथ हम आपको ले चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। पहले एपिसोड में आपने देखा कि चैनल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और वहां के हायर ऑफिशियल्स ने उसे पब्लिक से छुपाने की पूरी कोशिश की। उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से इसे हैंडल कर सकते हैं। इसकी गंभीरता को वे समझना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो वर्कर्स वहां के खतरे से बेखबर प्लांट के अंदर आए उनका क्या हुआ? रेडिएशन जो आंखों को नहीं दिखता उससे क्या क्या हो सकता है और उसका जीव जंतुओं पर क्या असर होता है? न्यूक्लियर कोर की ज्वाला को किस तरह बुझाने की कोशिश की गई? इन्हीं सवालों के जवाब इस एपिसोड में मिलेंगे। एपिसोड 2 की शुरुआत में पहले एपिसोड की कुछ घटनाओं को दिखाया जाता है। फिर चेनेबल से बहुत दूर मिन्स्क नाम के शहर के न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं। वहां सुबह लगभग 8:30 बजे रेडियो बज रहा होता है। चेनेबल दुर्घटना के बाद लगभग 7 घंटे हो चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट में सीरीज की हीरोइन उलाना को दिखाते हैं, जो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है और दिन रात इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करती रहती है। इस वक्त बेचारी थकान के मारे बैठी सो रही है। तब उसका असिस्टेंट कॉफी लेकर आता है और कहता है, मैम कल रात भी आप यहां पर सो गई थी, अरे यहां इतनी गर्मी क्यों है? ये कहकर वो खिड़कियां खोलने लगता है। अब खिड़की खोलते ही उस इंस्टीट्यूट में डोसीमीटर का अलार्म बजने लगता है। वो तुरंत जाकर उसे चेक करता है और घबराते हुए आकर कहता है, मैडम उसमें 9 पॉइंट्स दिखा रहा है। उलाना शॉक हो जाती है कि कहीं अपने इंस्टीट्यूट में कुछ लीक तो नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, इतनी देर से मैं यहीं पर हूँ मैम, कहीं अमेरिकन्स का काम तो नहीं? वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उस वक्त अमेरिकन्स और जर्मन्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। मुझे तो कुछ और ही सीरियस बात लगती है। अब ये कहकर वो फिर दरवाजा खोलती है तो फिर अलार्म बजने लगता है। अब वो ग्लास के बाहर ही हिस्से को टिश्यू पेपर से पोंछती है और उस टिश्यू पेपर को तुरंत पास वाली लैब में लेकर जाती है। जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो चौंक जाती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को एक्सप्लेन करती है कि ये यूरेनियम है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। ये तभी बाहर निकलता है जब न्यूक्लियर कोर फट जाता है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ आसपास कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? वो कोई कैलकुलेशन करके बताता है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर एक पावर प्लांट है। वो उस पावर प्लांट को फोन करती है, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सीडेंट वहां नहीं हुआ है। तब उलाना सोचने लगती है कि अगर यहां नहीं हुआ तो अगला न्यूक्लियर पावर प्लांट तो चेनेबल में है, लेकिन वो तो 400 किलोमीटर दूर है। फिर वो घबराती हुई चेनेबल पावर प्लांट को फोन करती है, लेकिन वहां फोन उठाने के लिए कौन बैठा है? फिर क्या, उलाना समझ जाती है कि 400 किलोमीटर पार करके रेडिएशन यहां तक पहुंच चुके हैं। वो तुरंत आयोडीन टैबलेट्स निकालकर अपने असिस्टेंट को देती है और कहती है, तुम ये टैबलेट ले लो और तुरंत यहां से चले जाओ। वो खुद भी उस जगह से निकल जाती है। अगले शॉट में चेनेबल के हॉस्पिटल को दिखाते हैं, जहां डॉक्टर और नर्सेस भाग दौड़ कर रहे होते हैं। एक के बाद एक करके पेशेंट्स आते ही रहते हैं और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। मेडिकल स्टाफ इतनी तादाद में पेशेंट्स को संभाल ही नहीं पाता, लेकिन किसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। ये पेशेंट्स वही लोग हैं जो पावर प्लांट में काम कर रहे हैं और ऊपर से बेचारे फायर फाइटर्स जो प्लांट में यही सोचकर आए थे कि सिर्फ आग लगी है, वे भी रेडिएशन के कारण बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। सभी के शरीर एकदम लाल हुए होते हैं और उनके खाल पूरी तरह से निकल चुकी होती है। एक फायर फाइटर बहुत ही जल चुका होता है और एक डॉक्टर उसके घावों पर कोई लिक्विड लगा रहा होता है। तब डॉक्टर वेटलाना फूर्ती से वहां कर कहती है, डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? ये लोग रेडिएशन से पीड़ित हुए हैं और उनके कपड़े भी रेडिएशन छोड़ रहे होंगे। चलिए आप लोग जल्दी से इनके कपड़े चेंज करवाइए। ये कहकर वो जल्दी जल्दी उनके कपड़े बदलने में मदद करती है। वो बहुत ही समझदार डॉक्टर है और रेडिएशन के खतरे को बहुत अच्छी तरह से समझती है। बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। वे प्लांट के वर्कर्स और फायर फाइटर्स के परिवार वाले हैं जो चिल्ला रहे होते हैं कि हमें अंदर जाने दीजिए। भीड़ के बीच से लिडिया किसी तरह हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स की भीड़ होती है और लिडिया अपने पति वेस्ली को यहां वहां ढूंढ रही होती है। तब रेडिएशन से पीड़ित लोगों के कपड़े को मेडिकल स्टाफ एक कमरे में फेंक रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वेटलाना अपने हाथ देखती है तो वो भी लाल होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी खाल पिघल रही है। अब वो भी रेडिएशन से पीड़ित हो चुकी है। अब हमें इस सीरीज के हीरो वेलरी को दिखाते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस साइंटिस्ट है। चेनेबल के टॉप ऑफिशियल्स ने वेलरी को यहां बुलाया है। वो सोच रहा होता है कि इतनी हड़बड़ी में मुझे क्यों बुलाया है। तब वहां की एक सेक्रेटरी आकर उससे कुछ रिपोर्ट्स देकर कहती है, सर जब तक मेरे बॉस नहीं आ जाते आप ये रिपोर्ट जरा स्टडी कर लीजिए। इन रिपोर्ट से आप जान जाएंगे कि चेनेबल पावर प्लांट में क्या हुआ है। वेलरी उसे कैजुअली पढ़ने लगता है। पहला पेज पढ़कर जब वो दूसरे पेज पर पहुंचता है तो उसे पढ़कर तो वो सुन्नी हो जाता है, उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। अब उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ में आने लगती है। तब उसे मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन वो उस रिपोर्ट को ही देखता रहता है। किसी तरह उठकर वो मीटिंग में जाता है। मीटिंग में चेनेबल के टॉप ऑफिशियल्स जनरल्स वगैरह आए होते हैं। बीच की कुर्सी पर सोवियत संघ का जनरल मिखाइल गॉर्बचेव बैठा होता है, जो सोवियत संघ का हाईएस्ट ऑफिशियल है। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। वो मीटिंग की शुरुआत करता है और कहता है कि इस विषय की टेक्निकल डिटेल्स हमारे डेप्यूटी चेयरमैन बोरिस बताएंगे। बोरिस कहता है कि रेडिएशन फेल जरूर हुआ है, लेकिन खतरनाक लेवल से बहुत कम है। डोसीमीटर सिर्फ 3.6 ही दिखा रहा है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक नॉर्मल एक्स-रे रेडिएशन के बराबर है। इसे हैंडल करना बहुत ही आसान है। बोरिस भी बिल्कुल पहले एपिसोड के डेथलॉप की तरह लापरवाह होकर बात कर रहा होता है। वेलरी चौंक कर उसको देख रहा होता है कि इतनी बड़ी पदवी पर होकर यह आदमी इतना ढीला कैसे हो सकता है। इतने में बोरिस कहता है, तो इस छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी मीटिंग की जरूरत ही नहीं थी। चलिए मीटिंग खत्म हुई। इस पर सब उठकर जाने ही वाले होते हैं कि वेलरी टेबल पर जोर से पीटता है।
और कहता है यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। अब गौरबचे पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, वहाँ क्या चल रहा है इस बात की खबर भी आप लोगों को? मैंने अभी अभी रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट का आप लोग इतने घंटों से अचार डाल रहे थे क्या? अब बोरिस कहता है आप भले ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन यहाँ की असलियत जाने बगैर आप ये बकवास क्या कर रहे हैं? मिस्टर बोरिस, मैं वही कह रहा हूँ जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। प्लांट में आग लगी थी जिसके बाद फायर फाइटर्स वहाँ पहुँचे। एक फायर फाइटर ने नीचे से एक काले रंग का पत्थर उठाया और उसे उठाते ही उसका हाथ पिघलने लगा। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वो पत्थर नहीं, ग्रेफाइट का टुकड़ा है जो न्यूक्लियर कोर के फटने से टूटकर बाहर आकर गिरा है। इसका मतलब कोर खुल पड़ा है और हाई लेवल रेडिएशन उसमें से निकल रहा है और तेजी से फैल रहा है। तब बोरिस कहता है कि वेलरी, आपको हमने यहाँ लेक्चर देने नहीं बुलाया है, आपको सिर्फ प्लांट में जाकर ये पता लगाना है कि वहाँ क्या हुआ है और एक डिटेल रिपोर्ट बनानी है। इतना ही नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने ऑलरेडी चेक करके बता दिया है कि रेडिएशन सिर्फ 3.6 है। बात को समझो मिस्टर बोरिस, वहाँ के सारे मीटर्स लो लेवल के हैं जिनका मैक्सिमम 3.6 ही है, उससे ज्यादा वाला रेडिएशन वो मेजर नहीं कर सकते। अब वहाँ रेडिएशन का लेवल क्या है ये कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। बोरिस अब भी मानने को तैयार नहीं होता। तब गौरबचेव और बाकी ऑफिशियल धीरे धीरे बैठने लगते हैं। गौरबचेव कहता है वेलरी सर, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हमें ठीक से समझ आ जाए। तब वेलरी बताना शुरू करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को काम करने के लिए फ्यूल या ईंधन की जरूरत होती है और वो ईंधन है यूरेनियम-235। हर तत्व की तरह यूरेनियम एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम एटम्स पर लाइट की स्पीड से न्यूट्रॉन को फायर किया जाता है तो उसके फोर्स से एटम के टुकड़े हो जाते हैं, उनमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स फिर से और भी कई एटम्स पर लाइट की स्पीड से फायर होते हैं और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं और इससे अत्यधिक एनर्जी और गर्मी पैदा होती है। ये न्यूट्रॉन्स इतने तेज होते हैं कि किसी भी चीज को चीर कर अंदर आ सकते हैं, जैसे कंक्रीट या पत्थर की दीवार इंसान के शरीर को भी चीर सकते हैं। ऐसा होने से दीवार या शरीर के अंदर के एटम्स तहस नहस हो जाते हैं। यहाँ प्लांट में न्यूक्लियर कोर के फटने से यूरेनियम के एटम्स करोड़ों की तादाद में उसी फोर्स के साथ बाहर निकल चुके हैं और उनका फोर्स इतना ज्यादा है कि 200 साल में भी उनका असर कम नहीं होगा। अगर हम कोशिश करके कोर को ठंडा भी कर देते हैं तो अगले 50 साल तक इसका असर होता ही रहेगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इस तरह का रेडिएशन हवा के जरिए न जाने कितनी दूर पहुंच चुका होगा। अब चेर्नोबिल की समस्या नहीं बल्कि इंसानियत के विनाश की शुरुआत है। ये सुनकर गौरबचेव शॉक हो जाता है। फिर वो बोरिस से कहता है कि आप वेलरी को लेकर अभी उस प्लांट में जाइए और कंफर्म कीजिए कि कोर फटा है या नहीं। बोरिस वेलरी को साथ नहीं ले जाना चाहता। तब गौरबचेव कहता है बोरिस, तुम न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते, वेलरी एक साइंटिस्ट है और वो हमारी मदद कर सकता है, इसलिए तुम उसको साथ लेकर जाओ। अब इसके साथ मीटिंग खत्म होती है। बोरिस और वेलरी मिलिट्री हेलीकॉप्टर में चेर्नोबिल पावर प्लांट में जा रहे होते हैं। बोरिस बहुत ही अकड़कर कहता है तुम मुझे क्लियरली समझाओ कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे काम करता है। वेलरी बहुत गुस्से में होता है और सोच रहा होता है कि इस विनाश को कैसे रोका जाए। फिर वो कहता है मिस्टर बोरिस, इस तरह एक मिनट में समझाने वाली बात होती तो आप एक मिनट में पीएचडी कर लेते। देखो वेलरी, अगर तुम नहीं बताओगे तो ये गार्ड्स तुमको नीचे फेंक देंगे। अब वेलरी चिढ़कर एक्सप्लेन करना शुरू करता है। देखिए मिस्टर बोरिस, पुराने मेथड में हम लोग कोयले को जलाकर उससे पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होकर भाप बनता है और उस प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं। टरबाइन के जरिए जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और अब इस नए मेथड में कोयले को जलाने की बजाय हम यूरेनियम-235 के एटम्स पर न्यूट्रॉन्स को फायर करते हैं और उस फोर्स से एटम्स में तोड़फोड़ मचाते हैं। इससे और कई गुना फोर्स पैदा होता है जिसे फ्लक्स कहा जाता है। ये फोर्स बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिससे पानी भाप बनता है और इस भाप के प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं। इस टरबाइन के घूमने से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एटम्स और बाकी पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है और उनके फोर्स और स्पीड को कम करने के लिए कंट्रोल रॉड्स की जरूरत पड़ती है। कंट्रोल रॉड्स इन फास्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिएक्टर के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। यही सब चेर्नोबिल के पावर प्लांट में हो रहा है। जब वैली अपनी एक्सप्लेनेशन खत्म करता है तो कुछ देर बोरिस उसको टुकुर टुकुर देखता है और फिर अकड़ कर कहता है ओके, अब मुझे पता चल गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वेलरी कुछ नहीं कहता, लगता है ये बोरिस का बेहोदा मजाक। अब हॉस्पिटल के अंदर दिखाते हैं, लिडिया भी वेस्ली को ढूंढ रही होती है। एक फायर फाइटर के हाथ में बच्चा होता है और वो बेचारा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मेरा शरीर रेडिएशन से पिघल रहा है, प्लीज इस बच्चे को कोई बचा लो। तब वहां एक नर्स आकर कहती है मैम आप जरा जाइए वरना रेडिएशन आपको भी अटैक कर देगा। लिडिया वहां से चली जाती है और एक सोल्जर से अपने पति के बारे में पूछती है। वो कहती है कि कुछ देर पहले ही वेलरी को हमने मॉस्को भेजा है। मॉस्को? लेकिन मैं वहां जाकर उसको कैसे मिल सकती हूँ? तब वो बताता है कि जो लोग बहुत बुरी हालत में थे उन्हें मॉस्को भेजा गया है। यहाँ बोरिस और वेलरी चेर्नोबिल के पास पहुंच गए हैं और तब वेलरी कहता है वो देखिए कोर जरूर फट गया है और उसके अंदर का ग्रेफाइट हर तरफ धुआं बनकर उड़ रहा है। वो बहुत ही घबरा कर सब देख रहा होता है। लेकिन बोरिस कहता है यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पायलट तुम जरा उस प्लांट के पास जाओ। वेलरी शॉक होकर कहता है कि क्या बकवास ऑर्डर दे रहे हो, पास जाएंगे तो ना ही ये हेलीकॉप्टर बचेगा और ना ही हमारी जान बचेगी।
पायलट तुम उस जगह से दूर ही रहना। अब इन दोनों की हाँ और ना के बीच में पायलट कंफ्यूज हो जाता है। तब बोरिस कहता है, अगर तुम हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं ले गए तो तुम्हें यहीं पर उड़ा दूंगा। बेचारा पायलट प्लांट की ओर जाने लगता है। वैलरी पायलट के पास जाकर कहता है, सुनो मेरे दोस्त, गन से उड़ा दिया तो तुरंत मौत आ जाएगी, लेकिन अगर हम वहाँ गए तो 3-4 दिन तक शरीर सड़ने लगेगा और तुम खुद मौत की भीख मांगोगे। क्या तुम ऐसी मौत मरना चाहते हो? अब ये सुनकर पायलट टेंशन में आ जाता है और हेलीकॉप्टर घुमा देता है। अब मिन्स्क में उलाना अपने शहर के मेयर से मिलने आई होती है। बहुत इंतजार के बाद वो मटक मटक कर आता है और उलाना उससे कहती है, सर यहाँ से 400 किलोमीटर की दूर पर चेनेबल का पावर प्लांट है और उसका न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी यहाँ तक पहुँच चुका है, इसलिए हमें तुरंत अपने लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। हाँ मैडम, मुझे भी खबर मिल चुकी है, लेकिन चेनेबल तो बहुत दूर है, वहाँ के एक्सीडेंट से मिन्स्क के लोगों को क्या लेना देना। सर मैं न्यूक्लियर एनर्जी के खतरे के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, यहाँ लोगों की जान को खतरा है। मैं जानता हूँ कि तुम इस विषय में एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ का मेयर मैं हूँ, तुम नहीं। मुझे ऑर्डर देना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। अब उलाना परेशान होती है क्योंकि बात की गंभीरता को कोई समझने को तैयार नहीं होता। वो बाहर आती है तो मेयर की पीए बैठी होती है। उलाना उसे आयोडीन टैबलेट्स देकर कहती है, ये शहर मिटने वाला है, ये टैबलेट्स ले लो और जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार को लेकर इस शहर से दूर चले जाओ। पीए डर के मारे तभी एक टैबलेट ले लेती है। यहाँ वैलरी की टीम पावर प्लांट से दूर एक आर्मी बेस में लैंड करती है। वहाँ विक्टर और निकोला आते हैं। बोरिस और वैलरी पूछते हैं कि कोर कैसे फटा, लेकिन वे कहते हैं कि अरे नहीं सर, कोर कहाँ फटा है, पर तुम्हारे प्लांट के चारों ओर ग्रेफाइट बिखरा पड़ा है और हवा में भी ग्रेफाइट के पार्टिकल्स फैल रहे हैं, इस बारे में तुम क्या कहते हो? नो सर, वो ग्रेफाइट नहीं, सीमेंट की धूल है। विक्टर मेरे भाई, कान खोलकर सुन लो, मुझे नहीं पता कि ग्रेफाइट कैसा होता है, लेकिन ये जरूर पता है कि सीमेंट कैसी होती है, इसलिए अपनी चिकनी चुपड़ी बातें किसी और को सुनाना, मुझे तो सिर्फ इतना बताओ कि कोर फटा है या नहीं। सर वो अब तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने यही बताया है कि कोर नहीं फटा। तब एक आर्मी ऑफिसर आकर कहता है, सर आपने जो हाई रेंज डोसीमीटर मंगवाया था वो मैं ले आया हूँ, हमने उसे एक आर्मी ट्रक में फिक्स किया है क्योंकि वो मीटर जरा बड़ा है। तो क्या आपका कोई आदमी डोसीमीटर लेकर प्लांट के अंदर चेक कर सकता है कि रेडिएशन कितना है? वेलरी कहता है कि वो सब इतना आसान नहीं है ऑफिसर, उस ट्रक ड्राइवर से लेकर चेक करने वाले आदमी तक सबको प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर पहनकर ही अंदर जाना होगा। इतना ही नहीं, ट्रक को भी रेडिएशन से बचाने के लिए प्रोटेक्शन देना होगा। अब उस रात वो आर्मी ऑफिसर खुद जाकर चेक करने को राजी हो जाता है। उसने प्रोटेक्टिव सूट पहना होता है जिसकी 5 लेयर्स होती है, ऊपर से बहुत ही भारी मास्क पहना होता है। वो ट्रक लेकर प्लांट के अंदर जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो तुरंत पूरे ट्रक पर केमिकल्स और पानी मारकर उसको साफ किया जाता है। ऑफिसर के सूट को भी पूरी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही होती है और कहता है कि सर आपने जो 3.6 रीडिंग बताई थी वो गलत थी, इस डोसीमीटर में 15,000 पॉइंट्स रेडिएशन दिखा रहा है, इस मीटर का मैक्सिमम लिमिट यही है और हमें लगता है कि असलियत में यहाँ रेडिएशन और भी ज्यादा होगा। अब सबका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है, विक्टर और निकोला की तो सांस ही रुक गई होती है। तब बोरिस वैलरी से पूछता है कि इस लेवल के रेडिएशन का क्या असर होता है। बोरिस, मेरे पास ये एक्सप्लेन करने के शब्द नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए थे उनसे लगभग 50 गुना ज्यादा असर पड़ेगा, अगर जल्दी से कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा और सोवियत संघ ही नहीं यूरोप ही मिट जाएगा। तब बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचा होता है और विक्टर और निकोला को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। जाते वक्त निकोला चिल्लाता है कि सारी मुसीबत के जड़ वो ड्योतलब है जिसने हमें धोखे में रखा। अब बोरिस वैलरी से पूछता है कि अब हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, इस वक्त इस रेडिएशन के असर को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम चाहो तो मैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स बुला सकता हूँ, ऊपर से इस प्लांट पर पानी डाल देंगे। बेचारा वैलरी इन लोगों को समझाते समझाते थक चुका है और कहता है, सर ये कोई जंगल की आग नहीं जो पानी से बुझ जाएगी, ये रेडिएशन है रेडिएशन, आप बोरोन और रेत का इंतजाम कीजिए, उससे रेडिएशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि बोरोन भी सोडियम या कैल्शियम की तरह एक तत्व है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की गति को धीमी कर सकता है, और आप तो जानते ही होंगे रेत आग और धुएं को कम कर सकता है, इसलिए वैलरी ये दोनों मंगवाता है। लेकिन कितना रेत और बोरोन चाहिए? सर जितना हो सके उतना मंगवाइए। पर कितने की जरूरत पड़ेगी? सर 50,000 टन चाहिए। अब ये सुनकर आर्मी ऑफिसर का सर चकरा जाता है और सर तुरंत यहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए। लेकिन वैलरी, थोड़ी देर में सब कैसे होगा? सर वो देख रहे हैं आप, वहाँ से जो कुछ बाहर आ रहा है वो सब रेडिएशन है, वो हवा में मिक्स होता जा रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप कुछ तो कीजिए, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए जल्दी से बोरोन और रेत का इंतजाम कीजिए। अब वहाँ हर तरफ खलबली मची होती है और बोरोन और रेत का इंतजाम हो रहा होता है। इस डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। वैलरी को एक होटल रूम दिया जाता है, वो बहुत ही टेंशन में होता है और हर बार ड्रिंक करने जाता है। बारटेंडर एक ग्लास में ड्रिंक डालने जाती है, लेकिन वैलरी कहता है इसमें मत डालो, वो वहाँ जो ग्लास कवर करके रखा है उसमें डाल कर दो। वैलरी जानता है कि वहाँ की हर चीज पर रेडिएशन फैल चुका है और इसीलिए वो बंद किया हुआ ग्लास मांगता है। वहाँ एक जोड़ी खड़ी होती है जो शहर घूमने आई होती है। वे पूछते हैं, आप उस फायर एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आए हैं ना, क्या हो रहा है वहाँ? लेकिन वैलरी कहता है, नहीं नहीं मैं आपकी तरह चैनिबल घूमने आया हूँ, इस तरह वो उनके सवाल को टाल देता है।
अब अगले दिन चैनेबल पावर प्लांट के पास एक जंगल को दिखाते हैं जहां जानवर मरे पड़े हैं और पेड़ पौधे भी एकदम सड़ चुके हैं। अब इस घटना को हुए 30 घंटे हो चुके हैं और कई हेलीकॉप्टर्स में बोरोन और रेत आ चुका है। दूर एक बिल्डिंग से वेल्डी और बोरिस बाइनोकुलर से देख रहे होते हैं। बोरिस वेल्डी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स को बता रहा होता है कि तुम इस लेवल से और आगे मत जाना और धुएं से दूर ही रहना, वहीं से रेत और बोरोन फेंकते रहो। हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं सर, अंदर नहीं जाएंगे तो ठीक से कैसे फेंकेंगे? देखो मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ, समझे कि नहीं? लेकिन इस बीच एक हेलीकॉप्टर धुएं के अंदर चला जाता है। अरे तुम पागल हो क्या, इतनी देर से मैं गला फाड़ फाड़ कर कह रहा हूँ और तुम क्या कर रहे हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब उस हेलीकॉप्टर को दिखाते हैं जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन की वजह से फटकर नीचे गिरता है। तब जाकर बोरिस रेडिएशन की पावर को समझ पाता है। वही नहीं, हमें भी पता चलता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन इतना नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी हेलीकॉप्टर्स उस रिएक्टर कोर को ठंडा करने के लिए रेत और बोरोन डाल रहे होते हैं। यहाँ उलाना को दिखाते हैं जो चैनेबल में किसी को जानती है। उसकी मदद से वो किसी सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करके पावर प्लांट की डिटेल्स निकाल लेती है। तब उसे पता चलता है कि प्लांट पर बोरोन और रेत फेंका जा रहा है। ओ गॉड, ये लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा सोचकर वो जल्दी से निकलती है। असिस्टेंट के पूछने पर वो बताती है कि मैं चैनेबल जा रही हूँ। यहाँ चैनेबल में वेल्डी अपने कमरे से बाहर देख रहा होता है। तब बोरिस आकर कहता है, वेल्डी अब चिंता की कोई बात नहीं है, पीस हेलीकॉप्टर में बोरोन और रेत आ चुका है और वे प्लांट पर उन्हें फेंक रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन वेल्डी बहुत ही परेशान होता है। वेल्डी इस तरह मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो, हम तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो कर ही रहे हैं। वो तो ठीक है बोरिस, लेकिन हम भी अब रेडिएशन से पीड़ित हो चुके हैं। इस वक्त तो हम ठीक है, लेकिन 5 साल के अंदर ही हम भी मर जाएंगे। ये सुनते ही बोरिस मायूस होकर बैठ जाता है। अब वो रियलाइज करता है कि सिर्फ प्लांट से दूर रहने से रेडिएशन से बचा नहीं जा सकता। दोस्तों दरअसल हर चीज से एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। इंसान और दूसरे जीव जंतु भी रेडिएशन निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ही वीक होते हैं और उनसे हम पर असर नहीं होता, ये प्राकृतिक होते हैं। लेकिन इस तरह यूरेनियम जैसे तत्व पर फोर्स इस्तेमाल करके जो रेडिएशन पैदा होता है वो प्रकृति के खिलाफ है और इसीलिए इतना हानिकारक है। इस बारे में अगर आपने कुछ पढ़ा हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बोरिस हार मान चुका होता है और तब जले पर नमक छिड़कने के लिए एक कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि न्यूज स्वीडन तक फैल चुकी है और अमेरिका भी सैटेलाइट से इस जगह को वॉच कर रहा है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि चैनेबल का रेडिएशन हवा में फैल गया है। तब बोरिस खिड़की से देखता है कि विनाशकारी घटना से बेखबर बच्चे और बड़े हर तरफ चल फिर रहे होते हैं। ये देखकर वो अंदर ही अंदर मर रहा होता है। वेलरी कहता है, सर सिर्फ इस जगह पर ही लगभग 1 लाख होंगे, हमें न्यूज में अनाउंस कर देना चाहिए कि लोगों को यहां से दूर जाना चाहिए। बोरिस बिल्कुल वैसा ही करता है। अब 36 घंटे हो चुके हैं और चैनेबल के अंदर कई बसें आ रही होती हैं। अब यहाँ के लोगों को इन बसें मिल जाएगा। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिलिट्री ने ली होती है। वे घर घर जाकर अचानक के लोगों को घर खाली करने को कहते हैं। अपने आप को उनके जगह पर इमेजिन करके देखिए कि अपने घर से अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़े तो हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। ऊपर से अगर ये पता चल जाए कि ये जगह अब रहने लायक नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी एकदम शून्य हो जाएगी, है ना। इस मानसिक स्थिति में लोग जल्दी जल्दी अपने हाथ में जो मिला वो सब समेट कर बस में चढ़ रहे होते हैं। हॉस्पिटल के पेशेंट्स को भी जल्दी जल्दी बस में चढ़ा रहे होते हैं। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहे होते हैं बेचारे। और दुख की बात तो यह है कि वे सब रेडिएशन से ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन शायद वे कुछ भी ये नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि वे कितने दिन जिंदा रहेंगे और किस हालत में जी पाएंगे। सारा दिन यही चल रहा होता है और रात को किसी भी तरह लोगों को लेके जाते हैं। इन्हें चैनेबल से जितनी दूर हो सके उतनी दूर ले जाना होगा। एक सीन में हमारा दिल बहुत ही भारी हो जाता है क्योंकि बसेस में सिर्फ इंसानों को ले जाते हैं, पेट्स को अलाउ नहीं करते। जो पेट्स इंसानों के भरोसे उनके साथ रहे उन्हें वहीं मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक पेट तो बेचारा अपने ओनर की बस के पीछे डोर तक भागता है। अब सारी बसेस चैनेबल से बाहर जा रही होती है, लेकिन एक गाड़ी शहर के अंदर जाने की परमिशन मांग रही होती है। उसमें बैठी है मिनसिक से आई हुई उलाना। वो शहर के अंदर जाने की जिद कर रही होती है। देखिए मैडम, अगर आपने जिद की तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। हाँ मैं यही तो चाहती हूँ, मुझे जो चाहे कर लीजिए, लेकिन मैं आपके हायर ऑफिसर से मिलना चाहती हूँ। ये जिंदगी और मौत का सवाल है सर। फिर उलाना को अरेस्ट करके वेल्डी और बोरिस के पास ले जाता है। बोरिस बिल्कुल टूट चुका होता है और वेल्डी उसको दिलासा दे रहा होता है। उलाना तुरंत कहती है कि मैं मिनसिक से एक फिजिसिस्ट हूँ, आप लोग यहाँ जो बोरोन और रेत स्प्रे कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दीजिए। वेल्डी कहता है, हमने पूरी तरह से जांच करके ये काम शुरू किया है। रेत और बोरोन से कम 1 महीने तक न्यूक्लियर कोर को ठंडा किया जा सकता है। नहीं मिस्टर वेल्डी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर आपने ये प्रोसेस जारी रखी तो 2 दिन में ही सब कुछ मिट जाएगा। उलाना ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज जरा साफ साफ बताइए। सर न्यूक्लियर कोर के नीचे पानी का टैंक है और अगर रेत और बोरोन उसमें गिर गए तो उसका टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जाएगा और वो पानी भाप बनकर हवा में मिक्स होने लगेगा, उससे प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी सर। उलाना हमने पूरी चेकिंग की है, उस टैंक में पानी नहीं है। वेल्डी आप बात को समझ नहीं रहे हैं, पहले उसमें पानी नहीं था, लेकिन उस वक्त आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने प्लांट के अंदर जो पानी डाला था वो टैंक में भरा पड़ा होगा। अब भी आप यही कहेंगे कि ऊपर से बोरोन और रेत डालते जाओ,
अब ये सुनकर वैलरी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये बात मेरी सोच में क्यों नहीं आई, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। बोरिस के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोग क्या भाषा बोल रहे हैं। वो डर के मारे पुतले की तरह बैठा होता है। अब टॉप ऑफिशियल्स की एक और मीटिंग होती है। वैलरी उलाना को भी साथ लेके जाता है। वैलरी गॉर्बाचेव को एक्सप्लेन करता है कि वे दुर्घटना के विषय में क्या एक्शन ले रहे हैं। वे बोरिस की राय मांगते हैं, लेकिन उसके दिमाग में तो हॉरर मूवी चल रही होती है। इतने में वैलरी अपनी एक्सप्रेशन पूरी करता है और उलाना को इंट्रोड्यूस करता है। फिर उलाना बताती है कि वैलरी ठीक कह रहे हैं, कोर के नीचे लगभग 7000 क्यूबिक मीटर पानी है। अगर उसमें रेत और बोरोन गिर गए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और भाप उठने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका रेडिएशन भी हवा में फैल जाएगा। रिएक्टर का कोर धीरे धीरे जल जरूर रहा है, लेकिन अगर बोरोन ने नीचे के पानी से रिएक्ट किया तो और भी मुसीबत हो जाएगी। तो मिस उलाना, इसका क्या असर होगा? सर, यहाँ से 200 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कोई जीव जंतु नहीं बचेगा, लेकिन उससे भी खतरनाक प्रॉब्लम यह है कि उस प्लांट में 3 रिएक्टर कोर्स और हैं। कुल मिलाकर वहाँ 4 रिएक्टर्स हैं। एक कोर तो जल रहा है, पर वहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर से अगर बाकी 3 कोर फट गए तो एक शॉक वेव क्रिएट होगी जो पूरी पृथ्वी को हिला देगी। इतना सारा रेडिएशन होगा कि लगभग पूरी दुनिया मिट जाएगी। उस समय का सोवियत संघ जैसा विकसित देश अगर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो सोचिए दूसरे देशों का क्या होगा। अब गोर्बाचेव पूछता है, तो आखिर इसका सलूशन क्या है? सलूशन यह है सर कि उस प्लांट के बारे में ठीक से जानने वाले 3 लोगों को वहां भेजना होगा और किसी तरह कोर के नीचे के पानी को बाहर निकालना होगा। हाँ, तो लोगों की यहाँ कमी है क्या? 3 लोगों को भेज दो, सिर्फ 2-3 वेव्स तो घुमाने। सर, वो इतनी आसानी सी बात नहीं है। अंदर जाने वाले लोग बाहर भी आ गए तो 2-3 दिन में बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। ये लगभग एक सुसाइड मिशन है। ये 3 लोगों की जिंदगी का सवाल है और आपकी परमिशन और सिग्नेचर के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। ओके मिस्टर वैलरी, अगर 3 लोगों की जान देकर इस दुनिया को बचाया जा सकता है तो हम ये भी करेंगे। अगले शॉट में चेरेबल सिटी को दिखाते हैं जो एकदम कब्रिस्तान लग रहा है। एक भी इंसान नहीं होता, सिर्फ जानवर यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। अब उन 3 लोगों को चुनने के लिए प्लांट के स्टाफ की मीटिंग होती है। वैलरी सारी बातें एक्सप्लेन करता है और कहता है, कोर के नीचे का पानी निकालने के लिए हमें 3 लोगों की जरूरत है। पानी निकालने की बात तो ठीक है बॉस, लेकिन तुम खुद ही कह रहे हो कि अंदर जाने से हम मर जाएंगे, फिर हम वहाँ जाके क्यों मरें? नहीं, ये बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर ये मिशन सफल रहा तो तुम्हें कई सुविधाएं दी जाएंगी और सैलरी भी बहुत दी जाएगी, लेकिन वो सब लेने के लिए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, है ना? वाह भाई वाह, कितनी अच्छी स्कीम है। तब न जाने बोरिस के अंदर कौन सा भूत घुस पड़ता है और वो उठकर मोटिवेशनल स्पीच देने लगता है। हाँ, वो 3 लोग जरूर मरेंगे, लेकिन वो मामूली सी मौत नहीं होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि ये 3 लोग दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए शहीद हो गए। शहीद होने का काम तो सरकार ने आर्मी को दिया है ना, ये मिशन उन्हें क्यों नहीं दे देते? अब इनकी बहस के बीच 3 लोग उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम प्लांट के अंदर जाने को तैयार हैं। अब इन 3 को रेडिएशन प्रोटेक्टिव गियर पहनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन वो लोग बेचारे बलि का बकरा जैसा फील कर रहे होते हैं। वैलरी दूर से दृश्य देख रहा होता है। 3 अंदर जाते हैं। वे उस जगह को बखूबी जानते हैं, लेकिन अब वो जगह पानी से भरी होती है और रेडिएशन से कंटामिनेट हो चुकी है। कुछ दूर चलते ही उनका शरीर थकने लगता है, फिर भी वे चले जाते हैं। अब एक जगह जाकर उनकी टॉर्च लाइट बुझने लगती है और रेडिएशन की तीव्रता से वो जगह अंधेरी होने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सेकेंड एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। क्या ये लोग कोर के नीचे का पानी बाहर निकाल पाए? अगर निकाल भी दिया तो उसके बाद किस तरह की समस्याएं खड़ी हुई और उन्हें कैसे सुलझाया गया? इतना ही नहीं, ये दुनिया मिटते मिटते कैसी बच गई और इन 3 दिलेर इंसानों का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगला एपिसोड। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।